हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करेंगे, जो एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। अब वहाँ से कुछ एक्सेप्शनल केस निकल के आएंगे, इन्हें पीरियड और इन्हें ग्रुप, उनकी बातें आज हम लोग करेंगे। और फिर एंड में हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे कि आयनिक रेडियस क्या होती है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस फॉर एटॉमिक रेडियस। देखो, एक्सेप्शनल किस तरीके से वेरी करती है कि जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने बोला है कि हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो हम जनरली कहते हैं कि साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज। एंड टॉप टू बॉटम जब हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये दोनों फैक्टर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा किस वजह से हो रहा था। अब इन्हीं के अंदर ये जो ट्रेंड है रेगुलरली वेरी नहीं करता है, ये कुछ एक्सेप्शनल केस लेके भी बैठा है। तो उन एक्सेप्शनल केस की बात हम लोगों को करनी है कि एक्सेप्शनल केस वो कौन कौन से हैं। तो देखो, फर्स्ट एक्सेप्शनल केस की अगर मैं बात करूं नोबल गैस के बारे में, नोबल गैस। देखो स्टूडेंट, जब आप लोग लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेफ्ट टू राइट मतलब कि क्या, मैं सेकंड पीरियड की बात कर लूं, मैं लिथियम से फ्लोरीन तक गया, लिथियम से कहां तक गया मैं, फ्लोरीन तक। तो हम लोग कहते हैं कि साइज जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है फ्लोरीन तक। लेकिन फ्लोरीन के बाद जब आप लोग कहां जाओगे, नियोन पे जाओगे, और नियोन क्या है आपकी एक नोबल गैस है, नियोन क्या है आपकी एक नोबल गैस है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अब फ्लोरीन के बाद नियोन का साइज जो है वो क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, स्मॉल होना चाहिए था, लेकिन ये साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, मैं आपको दो केस बताता हूं। अगर देखो आप लिथियम से लेके फ्लोरीन तक सारे के सारे रेडियस को क्या मान के चलते हो, वैन डर वाल रेडियस मान के चलते हो। इफ वी एज्यूम ऑल द रेडियस आर वैन डर वाल रेडियस फ्रॉम लिथियम टू नियोन, मतलब लिथियम से लेकर नियोन तक मैं सारी रेडियस को क्या मान लू, वैन डर वाल मान लू। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब को मैं क्या मान लूं, वैन डर वाल मान लूं। लेकिन जनरली हम लोग कहते नहीं है कि इनके अंदर वैन डर वाल रेडियस नहीं होती, इनमें कोवलेंट रेडियस होती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इन सबको वैन डर वाल रेडियस मान ले, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से वेरी कर जाएगा। लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, इज ग्रेटर देन बोरोन, इज ग्रेटर देन कार्बन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, एंड इज ग्रेटर देन क्या, नियोन। इन केस जब किस केस में हम लोग, जब इनको हम लोग क्या मान रहे हैं, वैन डर वाल रेडियस मान रहे हैं। अगर हम सबको वैन डर वाल रेडियस मान ले तो, इफ बट इफ वी एज्यूम ऑल द रेडियस, इफ वी एज्यूम ऑल द रेडियस आर कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियाई, रेडियाई फ्रॉम लिथियम टू नियोन। अगर मैं कोवलेंट रेडियस की जब मैं बात करता हूं, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां से नियोन जो है उसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, देन लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां मैंने नियोन को लार्ज साइज दे दिया है। अब जनरली होना क्या चाहिए था कि लिथियम के बाद जब यहां से चलते हुए फ्लोरीन तक हम जाते हैं, उसके बाद कौन आता है, नियोन। जब लिथियम से फ्लोरीन तक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो नियोन का साइज सबसे स्मॉल होना था, लेकिन मैंने यहां नियोन का साइज क्या कर दिया है, लार्ज कर दिया है। जब मैं इनको क्या मान के चल रहा हूं, कोवलेंट रेडियाई मान के चल रहा हूं। अब इसका रीजन क्या है, ये एक डाटा है हमारे पास, ये डाटा है पीरियोडिक टेबल का साइज का। अब हम इसका रीजन देंगे, अब इसका एक प्रैक्टिकल रीजन देंगे हम लोग, किस तरीके से रीजन देंगे। देखो नियोन के अंदर हम लोग जो रेडियस फाइंड आउट करते हैं वो वैन डर वाल रेडियस फाइंड आउट करते हैं, वैन डर वाल रेडियस। नियोन में हम लोग वैन डर वाल रेडियस फाइंड आउट करते हैं, और जब हमने वैन डर वाल रेडियस एटॉमिक रेडियस के अंदर वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड कोवलेंट रेडियस पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि आर वैन डर वाल इज ग्रेटर देन आर मेटालिक इज ग्रेटर देन आर कोवलेंट।
तो जब मैं कोवलेंट रेडियस इनके अंदर एज्यूम करके चलूंगा तो आर वेंडरवॉल जो है के साथ जो है आर वेंडरवॉल के साथ नियोन जो है वो सबसे लार्जर साइज की होगी। ये एक नोबल गैस है जिसके अंदर हम वेंडरवॉल रेडियस देखते हैं। इस वजह से जब आप लिथियम से फ्लोरिन तक जाओगे तो आपका कोवलेंट रेडियस फ्लोरीन तक तो डिक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद नियोन के अंदर साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हम वहां पे कौन सी रेडियस को देखते हैं, वेंडरवॉल रेडियस को देखते हैं। तो ये पहली एक्सेप्शनल थी नोबल गैस के लिए कि इन्हें पीरियड किसी भी पीरियड के अंदर जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वहां जितनी भी नोबल गैसेज होंगी उन सबका साइज जो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अपने पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। मींस लिथियम से जब आप लोग कहां गए फ्लोरीन तक गए तो साइज स्मॉल, एंड देन झट से क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नोबल गैसेस के अंदर कौन सी रेडियस देखते हैं, वेंडरवॉल रेडियस देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एक्सेप्शनल केस था, लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर हम लोग सबको वेंडरवॉल रेडियस बना दें, अगर हम इन सब के लिए वेंडरवॉल रेडियस फाइंड आउट करें तब आपका ये ऑर्डर वेरी करेगा, तब नियोन की वेंडरवॉल रेडियस सबसे स्मॉल हो जाएगी। लेकिन आप सबको वेंडरवॉल नहीं बना रहे हो, कुछ को, मतलब कोवलेंट रेडियाई के साथ चल रहे हो, तो फिर नियोन का साइज सबसे लार्ज, फिर लिथियम, और सबसे स्मॉल साइज किसका होगा, फ्लोरिन का होगा। और इसका रीजन ये होगा कि हम नियोन के अंदर कोवलेंट रेडियाई नहीं देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं, वेंडरवॉल रेडियस देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे बोरोन फैमिली की, कि बोरोन फैमिली के अंदर भी एक एक्सेप्शनल केस है, और उससे फिर हम लोग जो है डी ब्लॉक के अंदर जाएंगे। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है, सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, इन बोरोन फैमिली देखो, बोरोन फैमिली में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं बोरोन, लेफ्ट टॉप से बॉटम एलाई करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। अब मैं जब इसके साइज की बात करूंगा टॉप से बॉटम में, जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि साइज जो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साइज अगर इंक्रीज होगा तो ये ऑर्डर किस तरीके से निकल के आएगा कि बोरोन का साइज सबसे स्मॉल, फिर एल्यूमिनियम, एंड देन कौन हो जाएगा, गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम, इस तरीके से ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर जो हमने लिखा है ये क्या है, गलत है, ये ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ एक एक्सेप्शनल केस बनता है, मतलब जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बोरोन इज लेस देन गैलियम, इज लेस देन एल्यूमिनियम, इज लेस देन इंडियम एंड इज लेस देन टेलुरियम। मतलब दिक्कत कहाँ क्रिएट हो रही है, एल्यूमिनियम और गैलियम में क्रिएट हो रही है, कि यहाँ साइज का कॉन्सेप्ट फंसा हुआ है। अब इस बात को समझो कि ये किस तरीके से एक्सेप्शनल केस है, मतलब ये क्वेश्चन आपका आया था आईआईटी के अंदर भी, कि इस तरीके से ऑर्डर पूछा था कि बोरोन दिया था, एल्यूमिनियम दिया था, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो पूछा गया था कि इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा, कोवलेंट रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सोचोगे कि ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर क्या होगा, गलत होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। अब ये किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए क्या रीजन देंगे हम लोग, देखो जब मैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 to 4, 6 10 और 2 12 और 1 13। उसके बाद जब मैं एटॉमिक नंबर 31 पे जाता हूँ जो किसका होगा, गैलियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड देन 4s2 एंड 4p1, ये गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 to 4, 6 10, 2 12, 6 18, 28, 230 एंड 131। अब देखो क्या है कि यहां जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, पी सबशेल में, और यहां भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, पी सबशेल में। अब रेडियस कौन डिसाइड करेगा, ये पी वाला इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा, क्योंकि यही हमारा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, तो यही रेडियस को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहां डी सबशेल नहीं है, नो डी सबशेल। और अगर मैं गैलियम के अंदर बात करूं तो यहां पर क्या है, डी सबशेल है। तो कहीं ना कहीं जो साइज का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग एक्सेप्शनल केस बना रहे हैं वो कौन क्रिएट कर रहा है, ये डी सबशेल ही क्रिएट कर रही है। दरअसल क्या होता है कि जब मैं डी सबशेल की बात करता हूं, जो डी सबशेल होती है उसका जो साइज होता है लार्जर इन साइज एरिया वाइज, अगर मैं एसपी डी और एफ
इन सब के साइज की बात करूं, मींस इन सबशेल के साइज की बात करूं एरिया वाइज, तो जो डी सबशेल है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू एस का सबसे छोटा, सॉरी एस का साइज सबसे छोटा, फिर पी, फिर डी एंड फिर क्या एफ, मींस एफ का साइज सबसे लार्ज है और डी का साइज फिर एस और पी से लार्ज है। अब डी सबशेल के अंदर लार्ज साइज होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं आपको समझा चुका हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहता है कि जितना अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा साइज उतना ज्यादा लार्ज होगा, और जितना बेकार बुरा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना साइज क्या होगा स्मॉल हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट है कि इस बात को समझो, अगर मैं एल्यूमिनियम का एक डायग्राम बनाऊं, एल्यूमिनियम के मॉडल को अगर मैं बनाता हूं, तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या है कि आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रख दिए ऐसे, मतलब एक समझने के लिए हम लोग बात करते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर इस तरीके से हो गया और ये आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है कि इस न्यूक्लियर चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स ने चारों तरफ से क्या कर लिया, ढक लिया, मतलब कंप्लीट इसको स्क्रीन कर दिया। अब स्क्रीन करने की वजह से क्या हो गया कि इस न्यूक्लियर चार्ज के पास इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। ये मैं क्रॉस लगा रहा हूं, मतलब कि ये जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियर चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स ने चारों तरफ से क्या कर लिया है, कवर अप कर लिया है। अब कवर अप करने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट जो क्या लग रहा है, बेटर लग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे, फेंक रहे हैं, मतलब इसको करीब नहीं आने दे रहे। अब गैलियम के अंदर क्या होगा कि गैलियम के अंदर डी सबशेल है। अब डी सबशेल क्या करेगी, देखो ये आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया, अब डी सबशेल के अंदर क्या होगा कि इस तरीके का ये साइज होगा। अब इसमें डी के अंदर डी का साइज लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर बैठे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां मान लो इस तरीके से मैंने दूर दूर बिठा दिए, अब ये आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है पी का, ठीक है। अब क्या होगा कि इन यहां देखो, यहां न्यूक्लियर चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स ने कंप्लीटली कवर अप किया हुआ है, तो दिस न्यूक्लियर चार्ज हैज वेरी लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। बट देर इज नो सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, यहां क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो वो दूर दूर है और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। अब गैप आने की वजह से क्या हो गया कि इस न्यूक्लियर चार्ज के पास इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज जितने जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितनी पावर से अट्रैक्ट करेगा, साइज उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट गैलियम और एल्यूमिनियम के साथ होता है, एल्यूमिनियम में कोई डी सबशेल नहीं है, कोई डी सबशेल नहीं है, तो क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन गैलियम की जब मैं बात करता हूं तो गैलियम पे क्या हो गया कि 13 से 31 आ गया न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या होगा कि हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ गए डी के अंदर तो साइज को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि डी सबशेल का साइज है लार्ज। अब लार्ज साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्लेस किए गए हैं उन इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस है ज्यादा, ज्यादा होने की वजह से इस न्यूक्लियर चार्ज के पास उस स्पेस के बीच में से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब मैं सीधे सीधे लैंग्वेज में बात करूं, इन इलेक्ट्रॉन्स का डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट जो वो क्या है, पुअर है, मींस ये प्रॉपर से शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पा रहे किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू इजीली से क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। इसी वजह से गैलियम का साइज जो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और एल्यूमिनियम का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। उसके बाद ट्रेंड जो वो सेम तरीके से वेरी करेगा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि कोई बॉडी है, इस बॉडी को, ये बॉडी के पास इसको अट्रैक्ट करना है, इसे अट्रैक्ट करना है। अब क्या होगा कि अगर आप इस बॉडी के आसपास चारों तरफ क्लोजली बिल्कुल इसके करीब इसको पैक कर दोगे, इसको कंप्लीटली पैक अगर कर दोगे चारों तरफ से, तो इसके पास ये पावर कम हो जाएगी, इस बॉडी के पास इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप लोग क्या करते हो कि इनको, ये जो आप आसपास इसके सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हो, इनको अगर क्या कर देते हो, दूर दूर कर देते हो, मीन्स इनके बीच में स्पेस ज्यादा हो जाता है, और स्पेस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि अब इसके, इस बॉडी के पास टेंडेंसी है इसको अपनी तरफ क्या करने की, इजीली से क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। वही सेम केस यहां हुआ है, 13 से 31 तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, ध्यान से समझना, 13 से 31 न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया। अब सिर्फ क्या देखना है हम लोगों को, क्या यहां जो न्यूक्लियर चार्ज है गैलियम के अंदर उसके पास इस तरीके का कोई चांस बनता है कि वो लास्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो वो बन जाता है। किस वजह से, क्योंकि डी का साइज जो वो लार्ज है,
और इलेक्ट्रॉन उसमें दूर दूर प्लेस है, दूर दूर प्लेस होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजिली से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि डी सबशेल जो होती है उसका साइज जो लार्ज होता है एज कंपेयर टू एस और पी, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से मोर द अट्रैक्शन पावर, मोर द अट्रैक्शन पावर ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यह आपका सेकंड एक्सेप्शनल केस था कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनके अंदर साइज का ऑर्डर किस तरीके से वेरी करेगा, तो यह आपका ऑर्डर होगा बोरोन इज लेस देन गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन इंडियम एंड इज लेस देन थैलियम। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं डी सब शेल के अंदर या जो ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारी 3D 4D 5D सीरीज उसके अंदर एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, वहां किस तरीके से एक्सेप्शनल केस वेरी करेगा। थर्ड केस हमारा जो होगा एक्सेप्शनल केस वो क्या होगा ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, ट्रांजिशन सीरीज। देखो यहां मैं एक ग्राफ बनाता हूं, यहां मैं ले लेता हूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहां मैंने लिख लिया जो आपका एटॉमिक या जो साइज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस यहां मैंने लिख ली। अब ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 3D ट्रांजिशन सीरीज होती है, एक 4D होती है और एक क्या होती है 5D होती है। मतलब 3D कहां से कहां तक होती है, स्कैंडियम से कहां तक जिंक तक, 4D होती है आपकी कहां से कहां तक येट्रियम से लेके और कहां तक कैडमियम तक, और इसके बाद ये होती है आपकी लेंथेनम से लेके और मरकरी तक, ये आपकी सीरीज होती है तीन सीरीज 3D 4D एंड 5D। मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है डी सबशेल में, यहाँ 4D में जाता है और यहाँ किस में जाता है 5D में। अब इनके एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं 3D को आपको समझाता हूं पहले कि 3D के अंदर किस तरीके से काम होगा, कि यहां इस तरीके से साइज जो वेरी करता हुआ आएगा इस तरीके से। मान लो यहां पे आपका स्कैंडियम हो गया, उसके बाद यहां आपका टाइटेनियम हो गया, यहां स्कैंडियम, यहां टाइटेनियम, यहां वेनेडियम, वेनेडियम के बाद उसके बाद जो और इसको डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आपका हो गया आयरन, आयरन के बाद आपका हो गया कोबाल्ट एंड देन निकल, और निकल के बाद यहाँ कॉपर, और यहाँ कौन हो गया आपका जिंक। ये आपका इस तरीके से कुछ साइज मैंने आपको दिखाया कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस इस तरीके से वेरी कर रही है 3D सीरीज के अंदर। अब हमने क्या पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट में जब हम लोग जाएंगे, ये लेफ्ट टू राइट का ही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट टू राइट में जब हम लोग जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, और ये जो एटॉमिक रेडियस आप लोग इस तरीके से देख रहे हो ये कैसे आनी चाहिए थी, ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए थी भाई, इस तरीके से गिरती हुई आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि पहले रेडियस धीरे धीरे क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, फिर ऑलमोस्ट क्या होगी कॉन्स्टेंट, और फिर एंड में जाके फिर से क्या हुई है इंक्रीज। मतलब यहाँ तीन केस बन रहे हैं आपके सामने, मैं स्कैंडियम से लेके और यहाँ क्रोमियम तक का एक केस कह देता हूँ, इसको मैं इनिशियल केस कह देता हूँ, इनिशियल स्टेट में इसको कह देता हूं। अब इनिशियल स्टेट के अंदर क्या होगा ये बात अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नीज से लेकर और निकल तक मैं इंटरमीडिएट स्टेट कह देता हूं, इंटरमीडिएट स्टेट, और इसके बाद जो कॉपर और जिंक है इनको मैं कह देता हूं हायर स्टेट के अंदर क्या होगा हायर स्टेट। ठीक है, अब ये तीनों केस को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो इनिशियली केस में क्या होता है, इनिशियली जब मैं चलता हूं 3D सीरीज के अंदर इनिशियली देखो क्या होता है कि अगर मैं यहां एक डिस्कस करूं, मान लो मैं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूं, टाइटेनियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 22 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 22। अब यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d 2 एंड देन 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 2 22, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप यहां ध्यान से देखो ये डी सबशेल है, ये क्या है डी सबशेल। अब जो ये डी सबशेल है मतलब आप इसका इस तरीके से एक डायग्राम अगर बनाते हो टाइटेनियम के लिए, मान लो इसको आप डी कह दो और ये फिर एस होगी, रेडियस को कौन डिसाइड करने वाला है, ये 4s का इलेक्ट्रॉन डिसाइड करने वाला है, ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इस डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहे हैं, लेकिन अभी यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है
तो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है कि इस न्यूक्लियर चार्ज के पास इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अभी ज्यादा है, मींस ये इसको इजीली से अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब अभी डी के अंदर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आया कि वो इलेक्ट्रॉन इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को, इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिपेल कर दे या इसको शील्ड कर दे। अभी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। अब ये जब तक कम रहेंगे, मतलब जब तक न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता रहेगा, तब तक जो साइज जो वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। और वो चीज हमें कहां से कहां तक नजर आ रही है, स्कैंडियम से लेकर और क्रोमियम तक नजर आ रही है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक न्यूक्लियर चार्ज के पास इतनी टेंडेंसी बनी हुई है कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को, क्रोमियम तक के जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उनके इलेक्ट्रॉन को इजिली से अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। इसी वजह से स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक तो जो है साइज धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि इनिशियल केस में साइज जो है डिक्रीजेस स्लोली, साइज जो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि अभी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होगा इस पर रिपल्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स शील्डिंग इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे पूरा कवर अप होने लगेगा। और कवर अप होने की वजह से इस न्यूक्लियर चार्ज के पास टेंडेंसी कम हो जाएगी किस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। लेकिन अभी आप देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम तक जब आप लोग जाओगे तो वहां न्यूक्लियर चार्ज के पास इतनी टेंडेंसी बनी रहेगी कि वो इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को इजिली से कर सके, अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि यहां तक जो डी और सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे उनके बीच में स्पेस ज्यादा रहेगा, या मैं कह दूं कि वो इस न्यूक्लियर चार्ज को पूरा कवर अप नहीं कर पाएंगे, और कवर अप नहीं करवाने कर पाने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को इजीली से अट्रैक्ट कर लेगा। अब जब मैं बात करता हूं इन तीनों केस की, मैग्नीज की, आयरन की और कोबाल्ट और निकल की, इन चारों केस की जब मैं बात करता हूं इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर, इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा, देखो इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा आपका उस, ये आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ डी इलेक्ट्रॉन ऐड होने जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ भी डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक काम यहाँ क्या हो रहा है कि साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो पहले कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। अब डी के अंदर मैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक का केस यहां समझा चुका हूं कि यहां इलेक्ट्रॉन कम है तो इस वजह से साइज जो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कांस्टेंट का केस है इसको हम लोग समझ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या बढ़ता जा रहा है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से अपना एक सिस्टम बनाएंगे कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और उसके साथ साथ ऑल्सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपस में कंपनसेट कर जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज ने कहा कि मैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करूंगा, उसी के साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, उन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि उस बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज के साथ बैलेंसिंग बना ली। बैलेंसिंग का मतलब आपस में कंपनसेट कर लिया। तो वो एक इस तरीके का केस नहीं आ रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो न्यूक्लियर चार्ज यहां बढ़ रहा है वो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू हो रहा है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। मतलब दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, दोनों के अंदर कंपनसेशन चल रही है, दोनों कंपनसेट कर रहे हैं। तो ना तो साइज ज्यादा घट रहा है ना बढ़ रहा है, क्या ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया है। तो देखो यहां तक तो क्या था, इलेक्ट्रॉन कम थे तो साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज। यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया तो दोनों के अंदर कंपनसेट हो गया, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए तो साइज क्या हो गया, कांस्टेंट। अब जब आप कॉपर और जिंक पे जाओगे, कॉपर और जिंक पे क्या होगा, एट हायर स्टेट पे क्या होगा कि कॉपर और जिंक के केस में क्या हो जाएगा, यही इस बात को समझते हैं कि धीरे धीरे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। कॉपर एंड जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज जो चारों तरफ से क्या हो गया, कवर अप हो गया। कवर अप होने की वजह से क्या हो गया कि अब इस इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियर चार्ज के पास टेंडेंसी खत्म हो गई है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की।
जितनी पावर ये लगाना चाह रहा है, तो जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा है उतनी पावर यहाँ नहीं पहुंच रही, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ नहीं पहुंच रहा, जिस वजह से अब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने कॉपर और जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, या 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज पूरी तरीके से क्या हो गया, कवर अप हो गया, और कवर अप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर का, इसके ऊपर इस न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, जिस वजह से साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये अबाउट था किसके, कि ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 3D सीरीज में किस तरीके से साइज वेरी करता है। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज पहले डिक्रीज होगा, मैग्नीज से लेकर निकल तक ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर कॉपर और जिंक पे साइज इंक्रीज होता है। तीनों का ये केस है कि पहले कम इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, फिर दूसरा केस क्या है, इंटरमीडिएट केस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहे हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज वो ऑलमोस्ट क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, तो ना तो घटने दे रहे ना बढ़ने दे रहे, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट पे रखे हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज चारों तरफ से क्या हो गया, कवर, कवर होने की वजह से अब उसके पास टेंडेंसी नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, दैट्स व्हाई यहां आके साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं बात करूं 4D ट्रांजिशन सीरीज की, 4D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर भी यही केस होगा, बिल्कुल इसी तरीके से वेरी ये करेगा। अब 4D ट्रांजिशन में क्या हो जाएगा कि यहां से हम लोग लेके आएंगे इस तरीके से चलते हुए, और फिर जाके फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां कहां से कहां हो रहा है, यट्रियम से लेके और कहां तक आ रहे हैं हम लोग, कैडमियम, सेम इसी तरीके से वेरी करेगा, जैसे यहां साइज वेरी कर रहा है ऐसे यहां वेरी कर रहा है, और दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट जो रीजन जो वो हम सेम तरीके का दे सकते हैं। अब तीसरा केस जब मैं समझता हूं 5D का केस, 5D का केस क्या होगा कि देखो आपने देखा है एटॉमिक रेडियस का जो गैप है 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर और 4D ट्रांजिशन सीरीज, ये 3D का केस है और ये किसका है 4D का, ये गैप इतना है, ये गैप जो है ये इतना है। अब लेकिन जब मैं 5D का केस बनाता हूं तो 5D का केस आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम उस पे वेरी कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में जो ये गैप है ये गैप क्या है, कम। अब इसका रीजन क्या है, देखो ये कहां से कहां तक लाई करता है, लेंथेनम से लेके और मर्करी तक ये 5D ट्रांजिशन सीरीज लाई करती है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पे अगर मैं टॉप से बॉटम आता हूं 3D से 5D पे, मैं टॉप से बॉटम आऊंगा तो मुझे क्या होना था कि साइज जो वो क्या होना था, इंक्रीज होना था, ठीक है। अब वो बात मेरे को नजर आ रही है कहां से कहां तक, स्कैंडियम से यट्रियम तक, मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि स्कैंडियम का जो साइज है वो स्मॉलर होगा देन किससे, यट्रियम से, और फिर मैं देख रहा हूं कि ये साइज ऑलमोस्ट जो है इक्वल हो गए हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज के, तो मैं क्या लिखूंगा, स्कैंडियम से यट्रियम तक आए तो यट्रियम का साइज लार्ज, और फिर यट्रियम से लेंथेनम तक साइज क्या हो जा रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन क्या होगा कि जब आप 5D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आओगे, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं, जब आप 5D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आओगे तो यहां आपको F सबशेल देखने को मिलेगी, कौन सी सबशेल देखने को मिलेगी, F। अब वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, F का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज, लार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ज्यादा होने की वजह से यहां तक न्यूक्लियर चार्ज तो नॉर्मल सी बात है बढ़ेगा, तो वो न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होगा कि जैसे उसको स्पेस नजर आएगा तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को इजिली से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब आप स्कैंडियम से यट्रियम तक का केस तो समझ चुके, फिर यट्रियम से लेंथेनम के केस में क्या होगा कि यहां आ जाएगी एफ सबशेल। अब यट्रियम के अंदर एफ सबशेल नहीं है, एंथेनम के अंदर एफ सबशेल है। अब लेंथेनम का न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और उसको दिखा एफ सबशेल, एफ सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बैठे हैं, दूर दूर, और दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा। तो लेंथेनम के अंदर जो, या लेंथेनम की सीरीज के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो एफ सबशेल होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होगा उसको इजिली से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही केस है जैसे हमने एल्यूमिनियम और गैलियम का केस समझा था कि अगर साइज बड़ा है, सबशेल का साइज बड़ा है, तो वहां इलेक्ट्रॉन जो है दूर दूर प्रेजेंट होंगे और दूर दूर होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पावर लगा सकता है, ज्यादा पावर होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से 3D सीरीज तो यहां लाई करेगी, उसके बाद 4D और 5D ऑलमोस्ट सेम जगह पे लाई करती है। और ये रीजन किस वजह से, इसका रीजन मैं क्या दूंगा कि लेंथेनम के अंदर क्या आ जाता है, लेंथेनम वाली सीरीज के अंदर क्या आ जाता है, 5D में क्या आ जाता है, एफ सबशेल आती है, और एफ सबशेल की वजह से इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने सोचा था ऐसा नहीं हुआ, हमने क्या सोचा था कि यहां
इन दोनों के बीच में भी गैप, 4D और 5D के बीच में भी गैप इतना ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि बेटा F सबशेल आई, F ने साइज को क्या, F ने अपने साइज को बड़ा किया, बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर हुए और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप आया, तो न्यूक्लियर चार्ज ने बाहर के इलेक्ट्रॉन को इजिली से क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये आपका तीसरा एक्सेप्शनल केस था एटॉमिक रेडियस का। तो ये आपके एक्सेप्शनल केस के बारे में बातें थी कि एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं और एक्सेप्शनल केस किस तरीके से वेरी करते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक रेडियस क्या होगी। देखो आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास कोई एटम होता है, पेरेंट एटम होता है, जब आपके पास कोई पेरेंट एटम होगा, मान लो ए, ये ए जो है आपका, ये कन्वर्ट कराया जा सकता है ए पॉजिटिव में भी और किस में, ए नेगेटिव में भी। मतलब यहां ये क्या बनेगा, कैटायन, और ये क्या बनेगा, एनायन। मतलब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हो और क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। अब रेडियस किस तरीके से वेरी कर जाएगी आयनिक रेडियस की, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनका जहां तक इन्फ्लुएंस है ए के अंदर से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो ये कैटायन बन गया। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनका जहां तक इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियर चार्ज से लेकर और उन इलेक्ट्रॉन तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक रेडियस बोल देंगे। सिमिलरली यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन एडअप हुआ, अब उसका जहां तक इन्फ्लुएंस है, ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जहां तक है और उससे और न्यूक्लियर चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, आयनिक रेडियस बोल दूंगा। अब पेरेंट एटम आपका कौन हो गया, ए हो गया, ए के बाद ए से क्या बना, ए पॉजिटिव, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, कैटायन, और ए के बाद ए नेगेटिव बना, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, एनायन। अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझो। देखो कुछ केस हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक रेडियाई, क्या फैक्टर है, कि देखो फर्स्ट फैक्टर होगा कि नंबर ऑफ सबशेल अगर इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ सबशेल अगर इंक्रीज होती है देन आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं F की बात कर लूं, मैं F नेगेटिव बना दूं, उसके बाद में Cl नेगेटिव, देन I नेगेटिव एंड देन Br नेगेटिव। अब ये किस तरीके से लाई करते हैं, F नेगेटिव आप ऐसे कह सकते हो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, इस तरीके से आप लोग यहां, सॉरी ये Br नेगेटिव एंड देन I नेगेटिव, ये होगा ठीक है। अब यहां टॉप से बॉटम में आप लोगों को पता है नंबर ऑफ सबशेल क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो यहां वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि साइज भी फिर क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज। तो F नेगेटिव का साइज स्मॉलर, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव एंड देन क्या, I नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप लोग बात करो लिथियम के केस में, या H पॉजिटिव से बात हम लोग, H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, हाइड्रोजन लिथियम के बाद यहां सोडियम Na पॉजिटिव, देन पोटेशियम के पॉजिटिव, देन रुबेडियम Rb पॉजिटिव, देन आपका जो है सीजियम CS पॉजिटिव। यहां भी टॉप से बॉटम ये अगर मैं लिखता हूं तो साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। तो यहां भी सबसे लार्ज साइज किसका हो जाएगा, सीजियम का सबसे लार्ज साइज हो जाएगा। रुबेडियम सीजियम फ्रेंशियम, आप फ्रेंशियम को जोड़ सकते हो। इसके बाद सेकंड केस की अगर मैं, मतलब पहला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ सबशेल जैसे इंक्रीज होंगी तो चाहे कोई कैटायन है तो या फिर एनायन है तो उसका साइज जो आयनिक रेडियस जो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस होगा कि कोई भी कैटायन जो होगा, कोई भी कैटायन जो होगा मोर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेसर विल बी द साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज जो उतना ही स्मॉल होता चला जाएगा। किस तरीके से, यहां मैं लिखता हूं, मैं लिख देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, Fe2 पॉजिटिव पे क्या है, कम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने कम इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैं Ti2 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव इस तरीके से लिख दूं, या Ti3 पॉजिटिव देन Ti4 पॉजिटिव इस तरीके से लिख दूं, तो यहां कम इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो सबसे स्मॉलर साइज किसका होगा, Ti4 पॉजिटिव का। Mn2 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव, उसके बाद Mn7
पॉजिटिव, तो सबसे स्मॉलर साइज किसका होगा? Mn7 पॉजिटिव का। मतलब मोर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लेसर विल बी द साइज, उतना ही साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। एक केस आप लोग पढ़ सकते हो एनायन के केस में, कि अगर एनायन के अंदर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, थर्ड फैक्टर जो होगा वो होगा कि मोर द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी द साइज, साइज उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं लिख दूं O नेगेटिव और O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव का साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं लिख दूं N, एक केस हम लोग पढ़े कि भाई मान लो मैं N3 नेगेटिव और F नेगेटिव की अगर बात करता हूं, मैं F नेगेटिव यहां लिखता हूं, N3 नेगेटिव यहां लिखता हूं, तो N3 नेगेटिव का साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। इनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी आप लोग कह सकते हो, तो जिसने जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा उतना ज्यादा उसका साइज लार्ज हो जाएगा, और जिसने जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा उसका उतना ही साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ऐसे सेम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर भी आप लोग कह सकते हो कि फोर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या होगा, कि मान लो मैं C4 नेगेटिव लिख दूं, उसके बाद मैं N3 नेगेटिव लिख दूं, उसके बाद मैं O2 नेगेटिव लिख दूं, मैं लिख दूं फिर F नेगेटिव, तो यहां सबसे लार्ज साइज किसका होगा? C4 नेगेटिव, देन दिस एंड देन F नेगेटिव। मींस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका एक पेरेंट एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करने पे क्या बना? वो कैटायन। अब उस कैटायन के अंदर जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही स्मॉल। अब अगर मान लो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो अब वो क्या बना? एनायन। और उसने जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उसका उतना ही साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। और ये तीन केस मैंने आपके सामने लिखे कि नंबर ऑफ सबशेल अगर इंक्रीज होती है तो आयनिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज। ये बिल्कुल सेम वेरी करता है जैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करती है। कैटायन के केस में मैंने आपसे कहा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। तो F2 पॉजिटिव और F3 पॉजिटिव, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका साइज लार्ज हो गया। और सेम एनायन के साथ जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ही क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। ये O नेगेटिव और ये क्या है? O2 नेगेटिव, तो इसका साइज क्या हो गया? लार्ज हो गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर भी यही हो जाएगा कि ये C4 नेगेटिव है मान लो, ये N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, तो F के पास एक नेगेटिव चार्ज है, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक रेडियस। यहाँ के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। आप यहां तक रिवाइज करो, पढ़ो, खूब पढ़ो, बुक्स को फॉलो करो, और यहां के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।